हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय तो सब लोग घर पे ही होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, मैं विष्णुदेव सर एक बार फिर यूनिक ऑनलाइन गुरु पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आइए, आज जो टॉपिक है उसका नाम है सर्च एंड इंडिसेज एंड इंडिसेज। यानी कि कर्णी और घातांक, कर्णी और घातांक। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम कर्णी से स्टार्ट करते हैं, कर्णी पूरा पढ़ लेते हैं, फिर घातांक पढ़ेंगे, फिर दोनों से जो मिक्सअप के सवाल होंगे वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्णी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कर्णी होता क्या है। अब समझिए, कर्णी होता क्या है। कर्णी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, फिफ्थ मूल इत्यादि पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा जा सके तो हम कहेंगे वे संख्याएं कर्णी की संख्याएं। जैसे देखिए, हम ये कह दें, जैसे रूट टू है, ये रूट टू। अब देखिए, ये 2 जो है इसे हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम कह देंगे ये जो है ये कर्णी की संख्या है। जैसे देखिए, हम कह दें 3√7 कर दें, ये 5√9 कर दें और 4√8 कर दें, etc. ये सारी संख्याएं कर्णी की संख्याएं होंगी। चलिए, कर्णी की संख्याएं ये होंगी। बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात समझिए, अब ये कर्णी की संख्याएं हो गई तो अब दूसरी बात ये समझ लीजिए कि कर्णी की कोटि क्या होगी। कोटि मतलब आर्डर, यानी कि आर्डर ऑफ सॉर्ट्स, ये आपको जानना चाहिए। यानी कि यहां पर अगर कोई संख्या ना लिखा हो तो हम ये समझ लेंगे कि वहां पर 2 है। ठीक है, यहां कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब 2 है, यानी कि वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। यही यहां पर जो लिखा होता है यही कर्णी की कोटि होती है। जैसे ये रूट टू जो है ये 2 कोटि की कर्णी है, ये 7 जो है ये 3 कोटि की कर्णी है, ये 9 जो है ये 5 कोटि की कर्णी है, 8 जो है ये 4 कोटि की कर्णी है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए, ये जो वीडियो हमने स्टार्ट किया है, अभी कर्णी का बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप देखते जाइएगा 1x1 करके हम लेक्चर वाइज आपको कई वीडियो देंगे जिसमें पूरी कर्णी कंप्लीट होगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करिए अभी और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कर्णी की कोटि हो गई। तो अब देखिए, जब कर्णी की कोटि आपको समझ में आ गई तो अब आप ये समझिए कि कर्णी कैसे होते हैं। मान लीजिए कई कर्णी लिखा हो तो उसमें क्या होगा। जैसे कर्णी देखिए, या तो समान कर्णी होंगे या असमान कर्णी होगा। समान कर्णी या असमान कर्णी। जैसे देखिए, हम लिखते हैं √3 और 5√3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कर्णी की जो संख्याएं हैं ये समान कर्णी हैं। और आप समझिए, समान कर्णी ही आपस में जुड़ सकती हैं और घट सकती। तो ये जो कर्णी हुआ समान कर्णी हुआ। एक और बात ये देखिए, अगर इसके ऊपर लिखा होगा तो आप ये समझिए कि ये कोटि होगा, जबकि बाहर लिखा होगा इसका मतलब ये पूर्णांक होगा। अब देखिए, जैसे हम कह दें √7 और 3√7 कह दें, ये दोनों आपस में समान कर्णी होंगी, जबकि हम कह दें √3 और √5 तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, असमान कर्णी होगी। जैसे हम कह दें √7 + √11 तो ये आपके हो गए असमान कर्णी। बात समझ में आ रही होगी। ये समान कर्णी और असमान कर्णी। दूसरी का समझिए, अब देखिए मिश्रित कर्णी क्या होगा। मिश्रित कर्णी जिसमें आपका पूर्णांक भी हो, रेशनल पार्ट भी हो, इरेशनल पार्ट भी हो, तो हम कहेंगे वो मिश्रित कर्णी है। अब देखिए, जैसे हम कह दें मिश्रित कर्णी,
जैसे हम ए रूट बी के रूप में लिख दें तो ये हमारा मिश्रित कर्णी हो जाएगा। जैसे देखिए हमें कह दें 3√5 तो ये आपका मिश्रित कर्णी होगा, इसमें पूर्णांक भी है और कर्णी का पार्ट भी है। जैसे हम कह दें 7√8 ये भी आपका मिश्रित कर्णी है। जैसे हम कह दें 9√11 ये आपके क्या हो गए मिश्रित कर्णी। बात समझ में आ रही है? अभी एकदम बेसिक बात थी जो इसके कर्णी के बेसिक बात है वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग कर्णी में छोटा बड़ा देखते हुए सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए, जैसे कभी कभी दो कर्णी दे देता है और ये कहा जाए ये दोनों कर्णी आपस में समान है। जैसे देखिए हम ये कहें ए प्लस रूट बी और बराबर सी प्लस रूट डी कह दें। अब देखिए हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये जो इंटीजर पार्ट होगा यानी कि जो पूर्णांक होगा पूर्णांक के बराबर होगा, कर्णी वाला भाग कर्णी के बराबर होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। जैसे देखिए हम यहाँ ये कह सकते हैं a बराबर c होगा और रूट b बराबर रूट d होगा, इसका मतलब कि b बराबर d होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये इतनी ही बातों से हर एग्जाम में सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, एसआई भी पूछे जाएंगे, रेलवे में भी पूछे जाएंगे। आइए एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हमने कहा दो कंगले आपस में बराबर हूं, तो जैसे देखिए हम ये कह दें 3 √7 = a + √b, ऐसे कह दिया हमने। अब हम आपसे ये प्रश्न पूछ लें, भैया बताइए a प्लस बी बराबर क्या होगा, या हम ये कह दें दूसरा प्रश्न कि भैया a बताइए a बाई बी बराबर क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि जो कर्णी वाला भाग होगा वो कर्णी के बराबर और जो इंटीजर पार्ट होगा वो इंटीजर के बराबर होगा। अब आप देखिए, जैसे देखिए a का मान क्या हो गया 3 के बराबर और ये वाला पोर्शन इसके बराबर, यानी कि a बराबर जो हुआ वो 3 हुआ और b का मान हुआ 7। अब हमसे पूछा गया a प्लस बी क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 + 7 यानी कि a प्लस बी का जो मान होगा वो 10 होगा। और यहाँ देखिए a अपान b का मान पूछा, तो इसका मतलब a अपान b का मान 3/7 होगा। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा स्क्वायर करें a अपान b निकालने जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि इंटीजर पार्ट के बराबर और कर्णी का जो भाग है वो कर्णी वाले के बराबर। पास मन जा रही है? चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे देखिए हम ये कहें आपसे a - 1 × 2 + √3 और ये इक्वल टू दिया हो आपका b√2 + a दिया हो। अब देखिए आपसे ये पूछा जाए कि बताइए भैया a प्लस b का मान किसके बराबर होगा, या आपसे ये कह दे कि a × b का मान किसके बराबर होगा, कुछ भी पूछा जा सकता। चलिए अब देखते हैं, हमने पहले ही आपको बताया कि जो पूर्णांक होगा वो पूर्णांक के बराबर, जो कर्णी वाला भाग होगा वो कर्णी। देखिए यहाँ पर रूट टू से बी में मल्टीप्लाई है, तो हम ये देख लेते हैं, सॉरी यहाँ देखिए ये यहाँ रूट थ्री पे ना लग के यहाँ है। देखिए अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि रूट टू का मल्टीपल क्या है, तो हम ये कह देते हैं a - 1 × √2 कह दें और प्लस यहाँ कह दें कि a - 1 × 3 कह दें और ये बराबर आपका हो गया b√2 + a हो गया। अब आप देखिए भैया ये रूट टू का कंपेयर इससे किए तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, जबकि ये वाला पार्ट जो होगा वो a के बराबर होगा। तो अब आप देखिए आप कह सकते हैं a - 1 = b कह सकते हैं, जबकि यहां पर कह सकते हैं 3a - 3 = a कह सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, a आपका बाएं साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 3a से ये माइनस हुआ तो आप कह देंगे 2a = 3 हो गया, यानी कि a बराबर आपका हो गया 3/2 हो गया। अगला देखिए
अब यहाँ a बराबर 3/2, तो इसमें अगर a का मान रख देंगे तो ये 3/2 - 1 हो गया, यानी कि 1/2 आपका b का मान आ गया। अब आपसे सवाल पूछा है a प्लस बी, तो a का मान 3/2 प्लस बी का मान 1/2। अब देखिए ये आपका हो गया 4/2, यानी कि ये मान करके हो गया 2। आंसर हो गया आपका, बस करना कुछ नहीं, बस कंपेयर करना है आपका इंटीजर पार्ट इंटीजर के बराबर और सर्ट्स वाला पार्ट जो होगा वो सर्ट्स के बराबर। अब देखिए a इंटू बी कहा है, तो a इंटू बी का मान जो होगा 3/2 × 1/2 हो गया, यानी कि इसका मान 3/4 हो गया। बात समझ में आ रही होगी भैया? चलिए समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कहीं पर दिक्कत लगे अगर समझने में। और बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लास मिलने लगेगा, और इसके लिए जिनको भी लाइव क्लास की जरूरत हो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप बताइए लाइव क्लास के विषय, उसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। और लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 1.5 घंटे की आपकी मैथ की क्लास होगी। अभी तो मान लीजिए छोटा वीडियो मिल रहा है 20 मिनट 25 मिनट का, लेकिन जब लाइव क्लास होगी तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भैया अगला एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे देखिए √4x - 9 + √4x + 9 = हम इसे लिख सकते हैं 5 + √7। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपसे यहाँ पर x का मान जानना चाहता है, तो अब देखिए x का मान क्या होगा ये जानना चाहिए आपको। अब देखिए x का मान निकालेंगे, हमने तो कंपेयर के लिए बता दिया, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इन्हें सॉल्व करके हम देखें कि ये इंटीजर और सर्ट्स के फॉर्म में आए, अदरवाइज कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए तरीके दो, पहला तरीका आप देखिए कि इसको दोनों तरफ को आप वर्ग करें, दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे तो आप देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आप ये देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो 4x - 9 हो गया प्लस 4x + 9 हो जाएगा, और देखिए प्लस 2ab करेंगे 2 × 4x - 9 √4x + 9 हो जाएगा। और ये बराबर हमने बताया आपको, ये इधर का भी स्क्वायर करेंगे फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, √7 का स्क्वायर 7 हो गया प्लस 2 × 5 × √7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 9 कट गया। अब ये देखिए 8x + 2√, देखिए ये a - b ये प्लस b है, ये पूरा कर्णी है भैया, ये देखिए ये a - b ये प्लस b है, यानी कि a² - b² लिख देंगे तो आप ये देखिए 16x² - 81 हो गया और 25 + 7 = 32 हो गया प्लस 10√7 हो गया। हमने आपको बताया है कि कर्णी वाला भाग जो होगा वो कर्णी के बराबर होगा और जो इंटीजर पार्ट होगा वो इंटीजर के बराबर। तो ये वाला मान इसके बराबर और ये वाला मान इसके बराबर। तो अब देखिए 8x = 32 हो गया, यानी कि x = 4 आ गया, हो गया। देखिए अब इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन ज्यादा होगा इसलिए हमने छोड़ दिया इसको, यहां से डायरेक्ट निकल गया तो इसको निकाल लिया। बात समझ में आ गई? चलिए इसी सवाल को आप और तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए एक अलग तरीके से कैसे करेंगे वो देखिए। ये बात देखिए भैया, यहां पे 5 लिखा है, अगर इसे हम 5 को इरेज करके √25 लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 5 को अगर हम मिटा के ये कह दें कि ये √25 लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अरे उसको चाहे √25 लिखिए या 5 लिखिए, बात बराबर है। तो अब देखिए ये प्लस वाला भाग हमें पता है 4x में 9 जुड़ा भी है इसमें, और यहाँ 4x में 9 घटा है, इसका मतलब जब घटेगा तो मान छोटा होगा और जब जुड़ेगा तो मान बड़ा होगा। इसका मतलब इसको इसके बराबर कह देते हैं और इसको इसके बराबर कह देते हैं। देखिए आसान हो गया, इसे डायरेक्ट हम कह देंगे कि 4x - 9 = 7 हो गया,
यानी कि 4x बराबर 16 हो गया, यानी कि x का मान आपका कितना है भैया, 4 आ गया। आप ऐसे करिए या उस तरीके से करिए, बात समझ में आ रही हो? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद समझिए कि हम कर्णी का प्रमेयकरण करते हैं, डेसिमलाइज करते हैं, तो डेसिमलाइज में ये होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए a प्लस रूट बी है, तो इसको डेसिमलाइज करना हो तो इसका मतलब, डेसिमलाइज का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या से या ऐसी कर्णी की संख्या से उसमें गुणा करिए जिससे वो पूरे का पूरा मान पूर्णांक में बदल जाए, मतलब कि इंटीजर में बदल जाए। जैसे देखिए रूट थ्री है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 1/√3 है, तो अब इसको रेशनलाइज करना है तो इसका मतलब रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बात समझ में? तो ये मान जो हो गया ये रूट थ्री बाई थ्री हो गया, इसी को रेशनलाइज। अब प्रमेयकरण से सवाल बनते हैं, वो हम बताएंगे कि किसमें किससे मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रमेयकरण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे अलग से। पहले कुछ और बातें देखते हैं और सीखते हैं इसमें, फिर आगे चलते हैं, उसको हम बताएंगे आगे प्रमेयकरण अलग से करके। चलिए आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा आप ये समझिए भैया जैसे देखिए कर्णी की संख्याएं हैं, जैसे हम ये कह दें कि ए रूट यक्स है, या ए की जगह पे यन कह लीजिए, यन है, तो आप ये देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यक्स पावर 1/n, या हम ऐसे कह दें, जैसे ये हो गया, इसी प्रकार जैसे रूट यक्स पावर यन और इसके पावर 1/n कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि यक्स के पावर 1, ये देखिए ये 1/n है ना, तो 1/m इनटू 1/n हो जाएगा, इसका मतलब कि यक्स के पावर 1/mn हो जाएगा, या इसी को आप कह सकते हैं कि mn कोट की कर्णी हो जाएगी और ये अंदर यक्स हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे लिखा हो कि यम यक्स इनटू लिखा हो यन इनटू यक्स, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा इसको, जैसे ये यक्स के पावर 1/m हो जाएगा इनटू यक्स के पावर 1/m हो जाएगा। अब देखिए इसे आप जब ये आधार बराबर हो और उनके घात अलग अलग हो, आधार बराबर हैं तो जब गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये आपका हो गया, इनका एलसीएम mn हो जाएगा इनटू n प्लस m हो जाएगा, यानी कि ये हो गया x के पावर। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं कि x के पावर m प्लस n और mn को यहां कोट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप ये समझ लीजिए, जैसे हम ये कह दें n इनटू x अपॉन y लिख दें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अपॉन y के पावर 1/n भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1/n अपॉन y पावर 1/n, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ और बातें देखते हैं। आइए जैसे हम एक कहें, जैसे ये यक्स यहां यन हो, यहां पे फिर हमने कह दिया मान लीजिए, जैसे चलिए अभी यहां पे 1/m हो, तो इसे आप ये कह सकते हैं यक्स पावर 1/m इनटू 1/m, तो इसे आप ये कह सकते हैं यक्स पावर 1/m, ठीक है। इसका मतलब कर्णी की जो कोटि होती है वो संख्या के घात में लगता है लेकिन वो फ्रैक्शन में 1/n करके लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई,
चलिए आगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला वगैरह बनते हैं वो वन बाई वन करके जब पढ़ाते रहेंगे बताते रहेंगे आपको। अब देखिए एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये पता है सजाती ही जुड़ेंगे भी और सजाती ही घटेंगे। इसके अलावा जैसे मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जैसे हम ये कह दें रूट थ्री इंटू रूट टू कर, तो अगर इनकी कोटि आपस में बराबर है तो इनको सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका रूट सिक्स हो जाएगा। बात समझ जा रही हूँ। इसके अलावा देखिए, लेकिन कोटि मल्टीप्लाई में कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ऐसे हम नहीं लिख सकते। जैसे हम ये कह दें थ्री रूट टू और यहाँ पे कह दें फाइव, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको डायरेक्ट दस लिख दें। तो पहला काम ये करना होगा कि हमें कोटि बराबर करनी होगी, जब कोटि बराबर हो जाएगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, जैसे अब देखिए इसको हम दो पावर एक बट्टे तीन लिखेंगे इंटू पांच पावर एक बट्टे दो लिखेंगे। अब देखिए दो व तीन का जो एलसीएम होगा वो छह होगा, इसका मतलब एलसीएम, अब इनके हर को हम छह बनाएंगे। तो अब देखिए दो तीन को छह बनाना है तो दो से गुणा ऊपर होगा, दो से गुणा नीचे हो जाएगा दो बटे छह, और यहाँ पे देखिए तीन का गुणा ऊपर और तीन का गुणा नीचे तीन बटे छह, इसका मतलब ये दो पावर दो पावर एक बटे छह इंटू पांच पावर तीन पावर एक बटे छह, देख रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से इसका मान देखिए क्या हुआ, अब ये चार पावर एक बटे छह हुआ, ये 125 पावर एक बटे छह हो गया। इसका मतलब आप अब इसे ऐसे लिख सकते हैं छह कोटि चार गुणे 125, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसे छह अंदर पांच, ये आपका आंसर हो। बात समझ में आ रही। अगली बात समझिए, ये तो जैसे यहां पे हमने लिखा था, यहां पांच कर दिया था हमने, दूसरा ले लेते हैं। जैसे देखिए यहां हम लिख दें तीन इंटू दो लिखा था, यहां पे फाइव लिखा, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो कोटि बराबर तो है नहीं, अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो हम ये मानते हैं कि वहां दो है, मानते हैं क्या, ये होता है कि वहां दो है। अब देखिए ये दो है वो तीन है, अब दो व तीन का जो लॉसा होगा वो छह होगा, दो व तीन का जो लॉसा होगा वो छह होगा। तो अब देखिए तीन को छह बनाने के लिए दो का गुणा करेंगे, जबकि यहां दो है इसको छह बनाने के लिए तीन का गुणा करेंगे। यानी कि आप ये समझिए कोटि में जिस अंक से गुणा करेंगे अंदर जो संख्या होगी उस अंक को उस संख्या के घात में लगा देंगे। बात समझ आ रही। जैसे देखिए यहां हमने टू का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ घात में टू लगा देंगे, यहाँ थ्री का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ घात में थ्री लगा देंगे। अब देखिए कोटि बराबर हो गए, अब कोटि बराबर हो गए तो कोटि छह लिख देंगे और मल्टीप्लाई चार गुणे 125 लिख दिए, सीधे सीधे आपका छह कोटि ये हो गया 500। हम ये नहीं जाएंगे डायरेक्ट वहां जाके एलसीएम ले गुणा करें, यही सीधे सीधे कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम कह दें थ्री टू फाइव टू, यहाँ टू लिखते नहीं है, सेवन लिख दे, सेवन ना लिख के चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्री लिख दे और यहाँ पे लिख दें थ्री इंटू टू लिख दे। अब देखिए इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, अब मल्टीप्लाई जब करना है तो पहला काम ये करते हैं कोटि बराबर करेंगे, तीन दो तीन का जो कोटि होगा, आप चाहें तो यहाँ चार लिख लीजिए, चार ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रहने दीजिए अभी तीन ही रहने दीजिए। ये देखिए तीन दो तीन की जो कोटि होगी वो छह होगी, तो देखिए तीन को छह बनाना है दो का गुणा करना होगा, अगर यहाँ कोटि में दो का गुणा किए तो जो दो है इसको अंदर की संख्या में घात के रूप में लगा देंगे दो। ये देखिए यहाँ पे दो है, छह करने के लिए तीन का गुणा, यानी कि यहाँ पर तीन लगा दिए। ये देखिए यहाँ दो का गुणा करेंगे अंदर भी दो कर दिए। अब देखिए ये कोटि छह हो गई सबकी लिख दिए, ये देखिए 25 हो गया गुणे आपका 27 हुआ
गुणे आपका चार हो गया, यानी कि जो आंसर आपका हो गया ये देखिए 25 चौके 100 हो गया, यानी कि 6,27,000 आपका आंसर हो गया सीधे सीधे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने आपको मल्टीप्लाई बताया। अभी देखिए बहुत से सवाल बनते हैं, उनको आगे करें चलेंगे हम लोग, जैसे खत्म होगा वन बाय वन करके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए अब देखिए कंगड़ी की स्टार्टिंग से जो सवाल बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए पहला सवाल यही बनता है कि कई कंगड़ी दे देगा और आपसे ये पूछेगा भैया बताइए इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। जैसे देखिए आपसे कह दे √7 √5 √11 √30, आपसे कहा भैया इसमें सबसे छोटा लिखिए, सबसे छोटा, इसके बाद सबसे बड़ा, इसके बाद आरोही क्रम, इसके बाद अवरोही क्रम। अब देखिए हमने ये चार शर्त दिए हैं, अब इसमें आप देखिए भैया कि सभी की कोटि बराबर है, सभी की कोटि जो है कोटि देखिए बराबर है, मतलब कि जो कंगड़ी का आर्डर है सर्स ऑफ आर्डर वो आर्डर सबका सेम है। जब आर्डर सेम हो यानी कि कोटि बराबर हो तो अंदर का भाग जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, अंदर का भाग जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। सबसे छोटा हमारा √5 हो गया, सबसे बड़ा √13 हो गया, आरोही क्रम लिखेंगे तो √5 √7 √11 √13, आरोही क्रम जब लिखेंगे √13 √11 √7 √5। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये पहला सवाल ये था जिसकी कोटि बराबर थी। अगला देखिए जैसे देखिए हमें कह दें 31 √31 √31 √31 अब देखिए इसमें हम आपसे पूछें भैया बताइए इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आप देखिए पिछले सवाल में पहले लिख लेते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा। आप देखिए पिछले सवाल में कोटि बराबर थी, अंदर की संख्या अलग अलग थी, तो हमने ये कह दिया जब कोटि बराबर होगा तो अंदर जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका मान छोटा होगा वो छोटा होगा। जब कोटि अलग अलग हो और अंदर का मान सबका बराबर हो तो जिसकी कोटि बड़ी होगी वह सबसे छोटा होगा, जिसकी कोटि छोटी होगी वह सबसे बड़ा होगा। यानी कि सबसे छोटा आपका हुआ ये 5√31 और सबसे बड़ा √31। बात समझ में आ गई? आरोही अवरोही भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए जैसे हमसे ये कहा जाए 3√5 7 6√17। अब आप देखिए भैया हमसे ये कहा गया ये बताइए भैया इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो अब की बार देखिए ना इनकी कोटि बराबर है ना इनके अंदर के मान बराबर है। तो अब देखिए ना कोटि बराबर ना अंदर का मान बराबर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे देखिए पहला काम ये करेंगे या तो कोटि बराबर करें या अंदर का मान बराबर करें। तो हम ऐसा करते हैं इसमें कोटि बराबर करते हैं। ये देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है यहाँ 6 है, इसका मतलब 3 2 6 का LCM 6 होगा। अब सबकी कोटि को हम 6 बनाएंगे। अब देखिए 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा
और अब जिस अंक से यहाँ गुणा करते हैं उसको इसके घात के रूप में लगाएंगे। यहाँ तीन से गुणा करना पड़ेगा तो इसके घात में तीन लगाएंगे और ये वन है ही, तो हमने अब देखिए इसमें सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा वो मान आपका होगा 6√17 और सबसे बड़ा जो होगा वो आपका होगा √7। पास समझ में आ गए, आरोही अवरोही भी देख के लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब कोटि बराबर ना हो तो हम कोटि बराबर कर लेंगे, जब कोटि और अंदर के मान दोनों अलग अलग हों तब। चलिए अगला देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। जैसे देखिए अब देखिए इसमें हमें देखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो अब देखिए सबकी कोटि हम 6 बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई किए यहां हो गया, यहां 3 का मल्टीप्लाई किए ये 3 हो गया और 6 है। तो अब देखिए ये मान 121 हो गया, ए मान 125 हो गया, ए मान 131 हो गया। तो हमें पता चल गया ये वाला सबसे बड़ा है जबकि ये वाला सबसे छोटा है, यानी कि ये आरोही क्रम में। इस तरीके से आप छोटा बड़ा देख लेंगे। अब देखिए अगली क्लास में क्या होगा, ये रही बेसिक बातें। अगली क्लास में आपको देखिए दो दो कौड़ी की संख्याएं देके पूछेगा छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। जैसे देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम कह दें 7+√5, फिर हम कह दें 11+1, फिर हम कह दें √8+2, फिर हम यहां कह दें √10+√2। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा मान किसका होगा, छोटा मान या सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो आप बात समझिए भैया कि अब देखिए इस तरीके से दे दिया, तो अब देखिए यहाँ पे 1 दिया है तो इसे √1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 2 को हम √4 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही। तो अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये देखिए दोनों का योग जो है 7 5 12, 11 1 12, 8 4 12 और 10 2 12, सभी का मान जब बराबर हो तो आप ये समझिए कि जिनके बीच का अंतर, अगर मान दोनों का योग बराबर हो तो जिनके बीच का अंतर कम होगा वह बड़ा होगा, जिनके बीच का अंतर ज्यादा होगा वो छोटा होगा। यहां देखिए दोनों के बीच का अंतर 2 है, यहां पर 10 है, यहां पर 4 है और यहां पर 8 है। तो बात समझ में आ रही होगी, यानी कि सबसे बड़ा वाला ये हुआ, सबसे छोटा ये हो गया। बात समझ आ गई। इसी प्रकार देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, बात है कि जैसे अगर इन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो ये देखिए 7 का मान 7 हो गया, 5 का मान 5 हो गया, +2 × 7 = 35 और यहाँ पे वर्ग किए तो आप देखो 11 + 1 हुआ, +2 × √11 × 1 हुआ। यहां देखिए 8 + 4 हो गया, +2 × √8 × √4 हो गया। अब देखो और यहां पर आपका हो गया 10 + 2 हो गया और +2 × √10 × √2 हो गया। तो अब आप देखो कि ये 12 तो सब में कॉमन है कि नहीं है, सब में कॉमन है। अब यहां पर 2 भी सब में कॉमन है, जबकि देखिए अंदर का जो पार्ट है यहाँ 35 है, यहाँ 11 है, यहाँ 32 है और यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये 35 वाला बड़ा हो गया, सीधी सी बात हो गई। यानी कि जब दोनों का योग बराबर हो, हर जगह बराबर हो, तो जहां का मल्टीपल सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जिनका मल्टीपल छोटा होगा वो छोटा। जैसे 7 5 35 हो गया, 11 करने 11, 8 4 32 और 10 2 20, तो आप आरोही और रोही भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा भी। तो इस तरीके से बहुत से सवाल बनते हैं। अगली क्लास में हम फिर लेके आते हैं इससे रिलेटेड सवाल। उसके बाद में जितने सीरीज टाइप के कंगड़ी के सवाल बनते हैं वो सभी सवाल, यानी कि अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इंतजार करिए अगले टॉपिक के लिए, और जिसको भी लाइव क्लास पढ़नी है तो वह अपने विषय में जानकारी जरूर दे कि सर लाइव क्लास करना चाहते हैं। लाइव क्लास आप पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी, और आप जो भी पूछेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।